Hello everyone. Today in this video, I'll talk about this coin plant, which is also known as copper coin, marsh pennywort, lucky plant, dollar plant, water navel, or even common pennywort. Iska scientific name hai Hydrocotyle vulgaris. Ye ek small creeping aquatic perennial plant hai, and this is native to North Africa. If you are new to my channel, then hit the red subscribe button below. You can also follow me in Instagram. My Instagram handle is dr.titildattosamonto, and you can also like my Facebook page, that is also dr.titildattosamonto. So video end tak dekhiye kyunki main discuss karungi is plant ke care ke bare mein aur propagation ke bare mein, aur main isko report karke bhi dikhaungi is video mein. Is plant ko main layi thi October mein, aisa chhota sa plant tha ye. I got this as a gift from a friend. तो इसको पहले मैंने रिपोर्ट किया था एक छोटे से मिट्टी के गमले में. ये एक क्रीपिंग प्लांट है, तो इसके नोड से नए नए ब्रांचेस निकलते हैं और ऐसे बुशी हो गए थे. तो मैंने एक बार फर्टिलाइज किया था इसको वर्मी कंपोस्ट से, तो इसका ग्रोथ काफ़ी बढ़ गया था. लेकिन महीने में एक बार फर्टिलाइज करने से ही हो जाता है. तो मेरे टेरेस पे बंदर आके उस मिट्टी को गमले को तोड़ दिया था, तो मैंने इस प्लास्टिक के छोटे से गमले में प्लेस किया था पूरा प्लांट. तो आज मैं दिखाऊंगी कैसे एक और मिट्टी के गमले में इसको मैं पॉटिंग करती हूँ. सो आई हैव टेकन दिस अर्दन पॉट विथ अ वाइड माउथ. एक ऐसे हंडी जैसा होता है ये, इसका कोई छेद नहीं बनाना है आपको. बस ऐसे ही मिट्टी के गमले को मैंने धो लिया है और इसमें मैं डालूंगी अभी मिट्टी और पानी. ये पौधा एकदम फुल सनलाइट में भी चल जाता है. आप फुल शेड में भी रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, और पार्टली शेडी एरिया में भी रख सकते हैं. तो ये इसमें स्टैग्नेंट वाटर होना चाहिए होता है. इस पौधे को आप फिश टैंक में रख सकते हैं या फिर एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, और ये पॉन्ड्स के साइड में भी ये ग्रो कर सकते हैं. लेकिन इसको 2 इंचेस का स्टैग्नेंट वाटर मिलना ज़रूरी है. तो मैंने ऐसे मिट्टी और पानी से घोल बना लिया है, और इसमें मैं जो पूरा प्लांट का जो सेटअप है वो प्लेस करूँगी. This plant requires a stagnant water all the time, but overwatering also may lead to root rot. तो ये पूरा जो plant है उसको मैं निकालूंगी. This plant can be propagated by pulling off some branches from the nodes, and it is very easy to propagate. So I have placed the whole thing into the new earthen pot. एक और video मैं बना दूंगी, shorts video, जहाँ पे मैं इसको propagate करके आप लोगों को दिखा दूंगी. तो side का जो गैप एरिया है उसमें मैं मिट्टी डाल रही हूँ, और पूरा मिट्टी मैं भर दूंगी इसमें. इस प्लांट को लकी प्लांट माना जाता है. एक और प्लांट होता है सिमिलर लुकिंग, दैट इज चाइनीज मनी प्लांट, एंड दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. बहुत सारे लोग इसको भी चाइनीज मनी प्लांट बोलते हैं, लेकिन ये चाइनीज मनी प्लांट नहीं है. दिस इज एक्चुअली द चाइनीज मनी प्लांट, एंड मेनी पीपल ऑफन रेफर्स दिस पेनीवॉर्ट एज चाइनीज मनी प्लांट, विच इज नॉट. ये पेनीवॉर्ट है, मार्श पेनीवॉर्ट और कॉइन प्लांट, कॉपर कॉइन, जो भी नाम मैंने पहले बताया है, डॉलर प्लांट भी इसको कहते हैं. इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आए हैं, आप देख सकते हैं. देयर इज नो नीड टू फर्टिलाइज मच टू दिस प्लांट. यू कैन फर्टिलाइज देम वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 to 3 months. आई हैव फर्टिलाइज दिस प्लांट ओनली वंस इन ऑल दिस मंथ्स. इसको आप सिंपल वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, किसी ग्लास कंटेनर में या फिर सिरेमिक पॉट में जहाँ पे छेद नहीं है. So after repotting, I have watered this plant well, and I have been watering this plant twice daily in this summer because the watering is getting evaporated very fast. और इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा है कि दिन की मॉर्निंग की 3 to 4 hours सनलाइट इसको मिल जाता है, फिर शेड में ये चला जाता है. तो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है. फुल इंडोर में अगर आप रखें इसको तो फिर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, फुल सनलाइट में इसका ग्रोथ अच्छा होता है. यू कैन बाय दिस प्लांट फ्रॉम एनी लोकल नर्सरी. तो ये कॉइन प्लांट आप ग्रो कीजिए अपने घर में, सिंस इट इज़ अ लकी प्लांट. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू गिव अ लाइक एंड कॉमेंट बिलो हाउ यू लाइक इट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर अ न्यू फ्रेंड. शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज. I have given the links in the description box below. Thanks for watching the video. I'll be back soon with another interesting video. Till then, stay safe. Bye.